सिंध की सामुंडी पट्टी में 60,000 मानुन के महफूज हंधन डां मुंतकिल करणो है। ठटे ए सजावल जिलों के मानुन के मुंतकिल करण जो हिदायतू कर छ्यून। सामुंडी तूफान सबब सजावल जिलो सब का वधिक मुतासिर थियण जो खदशो है। मानुन के मुंतकिल करण लाए पाक फौज मदद कर रही है। सामुंडी पट्टी में मानुन के मुंतकली लाए सोशल मीडिया रेडियो मस्जिदन जरिए मुहिम हलाए रहा हूं। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस संदा चवण है तो इन 3-4 डी अहम आन इन वक्त तूफान जो रुख गुजरात डां है। जैसे सामुंडी तूफान उत्तर तरफ टकरायो तो कराची सख्त मुतासिर थी। इब्राहिम हैदरी और रेड़ी समेत बेन गोठन में मानुन के मुंतकिल कयो पियो वने। कराची के 70 खां वधिक खतरनाक इमारतों के भी मानुन के कढ़ियो वियो आहे। वडे वजीर मुराद अली शाह जो तूफान का अग सामुंडी पट्टी जो दौरो। वडे वजीर नासिर हुसैन शाह चीफ सेक्रेटरी एम्बियन संगद ठट्टे बदीन सिजावल मीरपुर साकरो चूहर जमाली जी सामुंडी पट्टी जो हवाई मुआइनो कयो। सैयद मुराद अली शाह हिफाजती इंतजाम जो जायजो वरतो। वडे वजीर मुराद अली शाह के कमिश्नर हैदराबाद के सामुंडी तूफान बाबत ब्रीफिंग। तूफान 15 जून से सामुंडी किनारे से टकरायजो। तूफान 17 जून का 18 जून तीन तूफान जसर खत्म थन्दा। तूफान के टकरायजन से समुंड में 4-5 मीटर तीन वीरू बुलंद थन्दू। बदीन के 0 पॉइंट के गोठ बुगड़ा मेमन के मानुन के कढ़ो वो है। वडे वजीर के कमिश्नर हैदराबाद की ब्रीफिंग। अरबी समुंड में मौजूद सामुंडी तूफान बाइपर जो है तेजी से सिंध की साहिली पट्टी डां बढ़ कराची का 600 ठटे का 580 किलोमीटर के मुफासले से मौजूद। समूरा इदारा हाई अलर्ट सी व्यू रोड बंद 15 जून का केटी बंदर गुजरात से टकरायजन जो इम्कान। मौसमियात खाते जो चवण है तो सामुंडी तूफान बाइपर जो है कराची का 600 किलोमीटर के मुफासले से मौजूद है। सिंध में 13 जून का तेज हवाओं से गड बरसात जो इम्कान है। पहले जो रुख नॉर्थ ए नॉर्थ वेस्ट तरफ हुए ओमान के तरफ जो हाँ चेंज थी नॉर्थ भी हलन शुरू थो जो एक्सपेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ हाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिंदुस्तान जहाँ गुजरात वा गुजरात कोस्ट असो रण ऑफ कच्छ थरपारकर बदीन ठट्टो मीरपुर खास कराची तीन जो असर थी सके तो पर मेनली जो इनकी हिटिंग थी इन लैंडफॉल थो वो रण कच्छ गुजरात के विच के पॉइंट दसन था। ब भेरा रुख तब्दील कंदड़ सामुंडी तूफान बाइपर जो है टियों भेरों भी पान रुख तब्दील कर सके तो। पैरी तूफान जो रुख अमान तरफ हो हाँ सिंध भारत की सामुंडी पट्टी के तरफ है। बाइपर जो है भारतीय शहर गुजरात रणकश के विचवारे इलाके से टकराजी सके तो। तूफान कराची के वेझो जरूर है पर ठटे बदीन की सामुंडी पट्टी के घणो मुतासिर करे सके तो।